नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। बीएसपी के टिकट पर बिजनौर लोकसभा चुनाव लड़ने का दावा करने वाला एक पूर्व विधायक खुद को पार्टी अध्यक्ष मायावती से ज्यादा मानता है। विधायक का कहना है कि वो जो कहते हैं वो कानून बन जाता है। उनके इलाके में मायावती की भी हिम्मत नहीं कि किसी मामले में हस्तक्षेप करें। उनके नाम के आगे माननीय लिखा जाता है, जिसका मतलब है कि वो जो भी चाहे वो शासन प्रशासन को मानना पड़ेगा। आइए आपको ऐसे ही बिगड़ेल नेता से रूबरू कराते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। सर पर टोपी लगाकर खुद को हिटलर समझने वाला भरी पंचायत में गौर गालिब करने वाले इस शख्स का नाम इकबाल ठेकेदार है। इकबाल ठेकेदार बिजनौर जिले की चांदपुर विधानसभा से बीएसपी के पूर्व विधायक हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार से करारी हार के बाद भी इनकी अकड़ नहीं गई। खुद को बीएसपी प्रमुख मायावती से बड़ा बताते हुए लोकसभा चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। इनका कहना है कि उनके आगे मायावती की भी नहीं चलती, पार्टी से उन्हें टिकट लेने की जरूरत नहीं, बल्कि खुद पार्टी उन्हें घर आकर टिकट देगी, क्योंकि वो जो कह दे वो कानून बन जाता है, वो जो चाहे वही होता है। उनके एक फोन कॉल पर अधिकारी आधी रात को दौड़े दौड़े चले आते हैं। क्षेत्र में इनका राज चलता है। सांसद विधायक जो चीज रहती है जो तो सुना आपने, मायावती ने जिन्हें बिजनौर लोकसभा का प्रभारी बनाया उनका क्या कहना है। पूर्व विधायक की दबंगई सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी और आम जनता तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके सामने खुद बीएसपी प्रमुख मायावती की भी कोई अहमियत नहीं है। पार्टी ने इन्हें हाल ही में बिजनौर लोकसभा का प्रभारी क्या बना दिया। नेताजी खुद को अभी से सांसद समझने लगे हैं। गलत फहमी इतनी कि अपने नेता को भी भरी पंचायत में बेइज्जत कर दिया। इनका साफ कहना है कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी मायावती की हिम्मत नहीं कि उनके फैसले पर हस्तक्षेप करें। मैंने टकरा के लोगों को कहा, जितनी लगाओ बढ़िया रहेगा, जितनी जगह लगाओ मैं बैठा हूँ करके लाओ। मेरे लिए ये परिस्थिति से भी लौट के मैं आना पड़ा। मायावती ने जी कहने के लिए डाइन करेंगे तो उसको उसकी भी उसने नहीं करनी। ये काम तो जहाँ तक हम सामने हमारे फिर लड़ाई की मैं ऐसी रहती थी। आप खुद देख और सुनकर अंदाजा लगाइए कि बीएसपी का ये पूर्व विधायक किस तरह से स्थानीय लोगों पर रौब गालिब करके सांसद बनने का ख्वाब देख रहा है। बता दें कि पिछले दिनों पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोपों के चलते बसपा सुप्रीमो ने इकबाल ठेकेदार को पार्टी से निष्कासित कर दिया था, क्योंकि ये महाबदतमीज आदमी अकामी पार्टी के अंदर विरोध है पूरा। लोग बाग यहाँ तक तैयार रहते हैं कि बीजेपी को वोट दे देंगे पर इसे नहीं देंगे। नेता प्रत्याशी है रुचि वीरा और इंशाल्लाह जीतेगी वो बहुत लंबे वोटों से, लोगों का समर्थन रहेगा। और यहाँ पे जितने करप्ट हो रहे थे, मतलब जैसे कि हर किसी हफ्ता वसूली ये करना, भू माफिया, सब इनका समर्थन ठेकेदार करता था। इनका सबका सरगना ठेकेदार था। ठीक है, जब तक ठेकेदार जैसे को टिकट मिलता रहेगा हम भाजपा को, सॉरी बीएसपी को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम भाजपा के समर्थन में जाएंगे। न सिर्फ क्षेत्र की जनता बल्कि विपक्ष भी इस वीडियो के सामने आने के बाद से बीएसपी और इकबाल ठेकेदार पर निशाना साध रही है। मेरा कहना ये है कि भारत के अंदर डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में चूँकि जनता के वोट से समर्थन से माने सांसद माने विधायक बनते हैं, इसलिए वो केवल विधायक और सांसद ही नहीं है, लोकतंत्र में उन्हें लोकसेवक भी कहा जाता है। जनता की उचित बातों को सरकार के समक्ष रखना, प्रशासन के समक्ष रखना और उनका निराकरण कराना, मैं समझता हूँ लोकसेवक का तो यही दायित्व है। अब मानना ना मानना, देखिए उचित बात, मैंने कहा लोकसेवक की भूमिका है कि जनता की उचित बातों को सरकार के समक्ष रखना, प्रशासन के समक्ष रखना और उनका निराकरण कराना यथासंभव। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा है कि
मायावती जी के पास जो भी जाएगा वो सीधा मेरे पास भेजेंगे। उनका विजन हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में अटूट विश्वास रखती है और हमारी सरकारें जनता के हित के लिए काम कर रही हैं, गरीब के कल्याण के लिए काम कर रही हैं, किसान के कल्याण के लिए काम कर रही हैं, महिलाओं के सम्मान के लिए काम कर रही हैं, युवाओं को रोजगार देने के लिए काम कर रही हैं। तो इस वीडियो के सामने आने के बाद से बीएसपी समर्थकों में भी गुस्सा पनप रहा है। उनका साफ कहना है कि जो नेता अपनी अध्यक्ष का सम्मान नहीं कर सकता उससे आम जनता का सम्मान करने की उम्मीद बेमानी है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ।